दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों जनरेटर का टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक पर अपन आज फिर बात करेंगे। आप सभी लोग जुट जाइए। वैसे तो ये शेड्यूल लाइव रात का था लेकिन टाइम नहीं मिला तो अब दिन में पढ़ेंगे अपन। छुट्टी का दिन है, अब पढ़ लेते हैं। जिस जिसको भी नोटिफिकेशन मिल रहा है वो लोग जरूर जुड़े, बाकी सभी लोग बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल ही जाएगा। जिसको नोटिफिकेशन मिले वो लोग तो जरूर जुड़े। अभी टॉपिक अच्छा है, भागों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट क्या करता है। जुड़ते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए और करते चर्चा की शुरुआत, ठीक है। एक आध ग्रुप में शेयर कर दो, वो भी लोग जुड़ जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि लाइव चल रहा है। संडे का दिन छुट्टी का दिन है इसलिए दिन में टाइम निकाला है और अब पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। कोई बात नहीं, बाद में लोग जरूर जुड़े और देख ले जब भी टाइम आप लोगों को मिले। देखिए बात करेंगे पार्ट्स ऑफ जनरेटर, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा हम सबको। देखिए पॉइंट नंबर एक में आता है योग, ठीक है। अब इसे योग भी बोल सकते हैं अपन, बॉडी भी कहते हैं और इसी को फ्रेम भी कहा जाता है, ठीक है। मशीन का कंप्लीट एक आवरण जो है वो फ्रेम ही होता है, बॉडी ही होती है। और इसके तीन काम होते हैं, क्यों लगाते हैं अगर ये अपन से पूछा जाए, यानी बॉडी के एक जनरेटर में क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो हम लोगों को तीन ऑप्शन इसके बताने हैं। मोस्टली अपन से यही पूछा जाएगा कि क्यों लगाया जाता है, उद्देश्य या फंक्शन, हिंदी में प्रकार ये बोलते हैं, वर्क समझ सकते हैं अपन, एक ही बात है। देखो ये करती है तीन काम। सबसे पहला काम तो इसका होता है पोल को यांत्रिक आधार प्रदान करना, ठीक है। नंबर एक होता है मैकेनिकल बेस यानी स्ट्रेंथ, नहीं तो पोल कहां रुकेंगे अगर बॉडी ही नहीं होगा तो। पॉइंट नंबर एक, पोल को यांत्रिक आधार प्रदान करना। दूसरा इसके बाद में आता है संपूर्ण भागों की रक्षा करना, ठीक है। जितने भी पार्ट होते हैं उन सब की रक्षा, यानी धूल मिट्टी डस्ट से बचाव जो होता है ना, वो बॉडी की वजह से ही है, इंटरनल टोटल पार्ट सेफ रहते हैं, ठीक है। देखिए हम संपूर्ण भागों की रक्षा तो किसी और तरीके से भी कर सकते थे ना, लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन जो बॉडी का होता है ना वो चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित होता है। देखो हम सब जानते हैं कि जनरेटर में मिनिमम भी अगर अपन बात करें तो पोल की संख्या कितनी होगी, दो, है ना। मान लीजिए कि ये दोनों वो पोल है। अब हम सब जानते हैं कि अगर इनमें से हम किसी एक को N और किसी एक को S माने, मान लीजिए कि ऐसा है, तो ये वैसे तो संभव है नहीं, क्योंकि एक एकल पोल कभी हो ही नहीं सकता। एक चुंबक में कम से कम कितने पोल होंगे, दो, नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंप्लीट एक मैग्नेट है, और एक चुंबक होने का मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में इस ओर से इस ओर तक जुड़े हुए हैं, जो हमें स्पष्ट साफ नजर नहीं आता या दिखाई नहीं दे रहा, यानी इस ओर से ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे तो वो इस बॉडी के माध्यम से ही जुड़ते हैं, ठीक है। और ऐसा हमने क्यों किया, तो ये जो पोल होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाएं निर्माण करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ये देते हैं अपन को, और इसको अपन चाहें तो ओके भैया जय श्री राम जय श्री राम। देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है कि वो चुंबक के बाहर N से S की ओर जाती है, यानी यहां से निकल करके यहां तक तो वो आसानी से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापिस N से S की ओर जाती है ना तो वो चुंबक के अंदर जाती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर सदैव N से S की ओर, चुंबक के अंदर S से N की ओर चलती है।
अब एस से एन की ओर आने के लिए इसे कोई ना कोई मीडिएटर यानी माध्यम तो चाहिए, और अगर माध्यम नहीं होगा तो एस से एन की ओर चूम के बल्ले खाई नहीं आएगी, मार्ग पूरा नहीं होगा। इस फंक्शन के लिए हमने बोली लगाई है, चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग पूर्ण करवाना। अगर बॉडी नहीं होगी तो मार्ग कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा और वो किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा, ठीक है। तो चुंबकीय पथ पूर्ण करना, ये इसका तीसरा काम है। बॉडी के बारे में आप लोग यही तीन काम ध्यान रखें, तीन फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि बॉडी के लिए निर्माण की धातु कौन कौन सी होगी, यानी हम बॉडी कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को तीन बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके भाई, जयपुर मेट्रो नॉन टेक्निकल एमजीवी स्टडी पॉइंट अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करेंगे और जल्दी करेंगे। देखो, धातु के बारे में आप लोगों को तीन बातें याद रखनी है। एक तो ऐसी परिस्थिति आती है जहां भार की तुलना में मूल्य मुख्य निर्धारण हो। और बताऊंगा, सुनते जाना एक बार। बॉडी निर्माण में धातु चयन करते समय पॉइंट नंबर एक ऐसा नोट किया जाता है जहां हम लोड को प्राथमिकता ना देकर रुपयों को मूल्य जो है ना वो मेन मुख्य विचार हो। हमें ये सोचना है कि भार की अपेक्षा रेट कम लगनी चाहिए। जनरेटर हम परचेज करके ला रहे हैं, रेट कम लगनी चाहिए। लोड कोई बात नहीं, 200 वाट कम लोड वैन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर हो तो ऐसा मोस्टली तभी होगा जब जनरेटर छोटा हो, कम रेटिंग का हो। तो शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, छोटा मशीन या छोटी जनरेटर, ठीक है। यानी छोटी मशीन हो, या तो ये लैंग्वेज आपको पेपर में मिल जाए कि हम भार को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा कम होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन हम रेट को यानी मूल्य रेटिंग जो रुपए जो है उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वो कास्ट आयरन का होगा, हिंदी में इसको ढलवा लोहा बोलते हैं, ठीक है। भंगुर धातु होती है, हल्की सी चोट से टूट जाती है, छोटी मशीनों में यही होती है। अगर दूसरी अपन बात करें ज्यादा यानी बड़ी क्षमता की मशीनें हो, तो अब यह आपको ध्यान रखना है, बड़ी क्षमता की मशीन में मूल्य निर्धारण विचारणीय नहीं होता है। यानी रेट से मतलब नहीं होता है, वहां पर चीज सॉलिड होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो बड़ी मशीनों में ये फिर कास्ट आयरन, सॉरी कास्ट स्टील, आयरन नहीं, या हिंदी में बोलते हैं वेलित स्टील। वेलित को इंग्लिश में बोलते हैं रोल्ड, कोल्ड रोल्ड ट्रांसफार्मर की जैसे होती है ना वैसे, यानी फोर्जिंग करवा के भी बना सकते हैं, वेलित स्टील बोल सकते हैं, कास्ट स्टील या वेलित स्टील, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मशीन की बॉडी अभी वर्तमान में जो बन रही है वो तो एनिल्ड स्टील से बनाते हैं, फोर्जिंग करवा कर बनाते हैं, ड्राई फोर्ज मान लीजिए एक तरह से। मशीन में बहुत यांत्रिक सुदृढ़ता और उच्च पारगम्यता भी प्राप्त होती है, आजकल तो बॉडी इस तरह की है। तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया, बॉडी के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। बॉडी के उद्देश्य या कार्य क्या है तीन, और बॉडी किस धातु की हो सकती है, तो कब कैसी होगी, इस बात को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। एक फंक्शन या पार्ट कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और छुट्टी का दिन है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कोई लेट नहीं हो रहे हैं। रात को तो वैसे ही समस्या होती है कि सोने का टाइम हो रहा है, सुबह ड्यूटी का टाइम होता है, तो आज क्या बिल्कुल फ्री है। अब देखो पार्ट नंबर दो, दो नंबर पार्ट में ज्यादा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दो चीजों को अपन एक साथ लेंगे। ओके भाई, डीएमआरसी कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो दे चुका हूँ उस पर। देखो पार्ट नंबर दो जो आता है ना, वो आता है पोल कोर और पोल शू, ठीक है।
दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझेगा। देखो शायद हम सब जानते हैं कि एक चालक एक चुंबकीय बल रेखाएं दो होती हैं, चालक और चुंबकीय फ्लक्स होगा, चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, यही तो था अपना, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं फील्ड मैग्नेट, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसको फील्ड मैग्नेट या फील्ड चुंबक के नाम से जानते हैं। देखो फील्ड मैग्नेट कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो फील्ड मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा लिख देता हूं, चलो, है ना। फील्ड मैग्नेट बनाते हेतु हम पोल कोर लगाते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले पोल की स्थापना करते हैं जो कोर के रूप में कार्य करता है बॉडी पर, जिसकी अपन बात करें, पोल कोर की अपन स्थापना करते हैं। इस पर फील्ड वाइंडिंग होगी, डीसी सप्लाई देकर एक्साइट करेंगे तो वो उत्तेजित होकर के फील्ड मैग्नेट बनाएगी। इस मैग्नेट का आर्मेचर छेदन करेगा, आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, खैर वो आगे का पार्ट है। यानी फील्ड मैग्नेट बनाने हेतु हम पोल कोर की स्थापना करते हैं, पॉइंट नंबर एक। तो फिर पोल शू क्यों लगाया, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज पोल कोर का तो एक ही कार्य है कि ये फील्ड मैग्नेट को बनाने के लिए एक बेस यानी आधार प्रदान करेगा। सवाल तो ये है कि पोल शू क्यों लगाया, पेपर में इसका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। पोल शू दो कार्य करता है, आप अलग लैंग्वेज में याद रखो तो तीन काम याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो ये होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक के बाहर एन से एस की ओर जाती है, मैं यहां बना देता हूं डायग्राम, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये चार पोल का अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर आ रही है। तो अब आप ध्यान से देखो कि अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहां मैं बात करूं तो कुछ तो गैप है ही ना, और ये कहलाता है एयर, वायु। पोल कोर कास्ट आयरन की होगी, बात करूंगा आगे किसकी होगी बात में। ये लोहा था, ये वायु है, लोहा वायु की अपेक्षा अधिक चुंबकीय पदार्थ है। अधिक चुंबकीय का मतलब ये है कि यहां जो वायु है ना इसका चुंबकीय बल रेखाओं के लिए प्रतिष्ठंभ अधिक है, ये ज्यादा प्रतिष्ठंभ यानी फ्लक्स प्रवाह में अधिक विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। हमने क्या किया कि इस एयर गैप को कम करने के लिए पोल शू लगा दिया। और याद रखना है लोहे की अपेक्षा वायु का प्रतिष्ठंभ उच्च होता है, वो फ्लक्स में अधिक बाधा उत्पन्न करता है। हमने इस पोल के आगे क्या किया कि आयरन की एक कोर और जोड़ दी, ऐसे इस तरह से, देखना ध्यान से, मैं दोनों में जोड़ूंगा। अब आप कंपेरेटिवली मैच कराओ इन दोनों के बीच में वायु अंतराल पहले की अपेक्षा कम हुआ कि नहीं। जब वायु अंतराल कम हो गया तो फ्लक्स का प्रतिष्ठंभ भी कम हो गया, लीकेज फ्लक्स घट जाएगा, मजबूत फ्लक्स मिलेगा, उपयोगी फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। ये पोल शू ही करता है। तो पॉइंट नंबर एक तो आप क्या बोल सकते हो इसमें कि वायु अंतराल में फ्लक्स का एक समान वितरण, एक पॉइंट तो आप ये बोल सकते हो क्या कि वायु अंतराल में फ्लक्स का एक समान वितरण, जो एयर गैप था उसमें एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट फ्लक्स देगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट फ्लक्स एयर गैप में वो देगा। ऐसा हुआ क्यों, तो इसी में लाइन जोड़ सकते हो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए पॉइंट नंबर दो याद रखो तो भी ठीक है। पॉइंट नंबर दो क्या होता है कि जैसे ही पोल शू लगाया ना तो पोल का क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट बढ़ गया, यानी बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखो हिंदी जो समझने वाले हैं ना उनको तो आराम से समझ में आ रहा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। बड़ा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठंभ कम करता है। प्रतिष्ठंभ को इंग्लिश में रिलक्टेंस बोलते हैं,
ये दो काम तो इसके मोटा मोटी हो गए। इसका अधिक बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया मैग्नेटिक पथ के रिलक्टेंस को कम कर देगा, मजबूत फ्लक्स प्राप्त होगा। दो काम हो गए। तीसरा काम देखो कि यहां पर फील्ड कॉयल होती है ऐसे, इसके ऊपर ऊपर की ओर तो बॉडी आ गई, लेकिन वो फील्ड कॉयल अगर किसी भी वजह से तार लूज होता है तो नीचे आ जाती ना। लेकिन आप देखो पोल शू लगा रखा है तो नीचे आने का कोई चांस नहीं है। तो तीसरा सबसे बड़ा यही होता है कि फील्ड क्वाइल्स को आधार प्रदान करना, ये भी इसका तीसरा काम है। समझ गए ना? यानी पोल शू क्या करता है, तीन काम करता है, याद रह जाएंगे तीनों काम। पोल कोर क्यों लगाया, फील्ड पर मैग्नेट पोल पे ही बनेगी। तो पोल शू क्या कर रहे हैं, पोल शू एक तरह से उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आ जाओ कि इन दोनों की संरचना होती कैसी कैसी है, फिर मैं बात करूंगा पोल शू को पोल के साथ लगाते कैसे हैं। अभी वर्तमान में नया तरीका आ गया, एक पुराना तरीका था, दो तरीके से लगाते हैं। यानी पोल शू को पोल के इस फ्रंट भाग पर, और इसको पोल फेस बोलते हैं, ध्यान रखना, जो इसका फ्रंट भाग होता है पोल फेस बोलते हैं। तो पोल शू को पोल फेस पर कैसे लगाया जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, है ना, इसको पोल फेस पर हिंदी में बोलते हैं ध्रुव सम्मुख या ध्रुव आमुख। ठीक है, तो इसको पोल फेस पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, काउंटर सैंक स्क्रू, नाम सुना है। साधारण स्क्रू नहीं होता ये, इसमें हेड जो होता है ना, सिर, वो जैसे अपन टाइट करते हैं ना, बिल्कुल बॉडी में अंदर बैठ जाता है, जैसे एलन की होती है ना, उसी तरह का होता है। थोड़ा सा आगे से ये फैला होता है, मतलब हेड इसका तीखा होता है, वो स्क्रू होते हैं, काउंटर सैंक स्क्रू बोलते हैं। पोल फेस पर काउंटर सैंक स्क्रू होते हैं, उनको कस देते हैं, वो स्क्रू बाहर नहीं रहते, आर्मेचर कोर से टच होने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पुराना तरीका था। पुराने तरीके में होता क्या था कि पोल की जो कोर है ना, ये तो हमेशा हमेशा ठोस धातु की ही होती थी, और वही दोनों धातुएं कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। ध्यान से समझना, बड़ी चीज, अच्छी चीज है। पोल की कोर ठोस यानी सॉलिड बनती थी, लेमिनेटेड नहीं होती थी, और कास्ट आयरन या कास्ट स्टील दोनों में से एक किसी की भी होती थी। लेकिन पोल शू हमेशा लेमिनेटेड ही होता है, उस पुराने तरीके की बात करूंगा, यानी पतली पतली पत्तियों से ही बनता है, और काउंटर साइक स्क्रू के द्वारा इस पर कसा जाता है। वो जो पत्तियों की लेमिनेशन है ना, वो है 0.2 mm से लेकर 1 mm तक। ध्यान रखना, मैं पोल शू की लेमिनेशन की मोटाई बता रहा हूँ, आर्मेचर कोर की नहीं। आर्मेचर कोर आगे आएगी, अलग है वो, ठीक है ना। ओके, तो 0.2 mm से 1 mm तक लेमिनेटेड होती है, पोल शू हमेशा लेमिनेटेड ही होगा। अभी जो वर्तमान में तरीका आया है ना, वो आया है कि पोल शू और पोल फेस, सॉरी है, पोल कोर दोनों एनिल्ड स्टील के बनते हैं, दोनों लेमिनेटेड होते हैं, और जल दाब से इनको रिबेट द्वारा कसा जाता है। रिबेट द्वारा कसा जाता है, समझ रहे, स्क्रू नहीं होता। बस दो पार्ट कंप्लीट हो गए भाई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है। जरूर आप लोगों ने पढ़ तो रखा है, मेरे हिसाब से अच्छा है, जनरेटर सबका कवर ही है ना। जनरेटर में तो कहाँ प्रॉब्लम आती है, अच्छा टॉपिक होता है। आईटीआई में भी आप लोगों को अच्छा कुछ सिखाया जाता है जनरेटर के बारे में। तो देखो तीसरा जो आता है ना, वो है फील्ड क्वाइल। ठीक है, अब फील्ड क्वाइल्स जो होती है ये पोल पर ही होती है। ठीक है, बात यही कि इसको एक साथ ही जोड़ दो, तो इसको फील्ड क्वाइल भी बोल सकते हैं और फील्ड मैग्नेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा टॉपिक चल रहा है ना मेरे हिसाब से तो, और दिन में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा परेशान भी नहीं हो रहे, उल्टे सीधे कमेंट्स भी नहीं आ रहे, आराम से पढ़े। बाद में जिनको टाइम मिले वो लोग वैसे ही पढ़े। ठीक है, अच्छा खासा टॉपिक चल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके भाई, जॉब के बारे में परिचय बताएंगे दिनेश, कभी पढ़ लेने दो एक बार। देखो फील्ड कॉइल क्या होगी, मोस्टली ध्यान रखना है बीसी में तो कॉपर वायर ही होगी, तांबे का तार ही होगा। तांबे के तार से हम इस पोल कोर के ऊपर कॉइल लगाते हैं, यानी तांबे के तार से कॉइल निर्मित की जाती है या कॉइल बनाई जाती है और पोल पर इसकी स्थापना कर देते हैं। ये जो क्वाइल होगी ना, ये दो तरीके की हो सकती है, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेड होगी। बात करेंगे कौन सी रिक्वायरमेंट का, यानी क्वाइल की दो संरचना जो है ना वो कौन कौन सी हो सकती है। तो एक संरचना तो ऐसी होगी कि ये फील्ड क्वाइल मोटे तार और कम टर्न की होगी, ये फिक्स संरचना है, इसको आप ध्यान रखें। और दूसरा पतले तार अधिक टर्न की होती है, ये वाला भी फिक्स ही है, इसको भी ध्यान रखें। यानी मोटे तार के साथ टर्न हमेशा कम ही आएंगे, पतले तार के साथ टर्न हमेशा अधिक ही आएंगे, ये कहीं भी हो। जैसे सीसीपीसी की मैं बात करूं, ट्रांसफार्मर में जैसे सीटीपीटी की वाइंडिंग की मैं बात करूं, ठीक है, तो जहां भी एक तरफ, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटरों में रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी जहां भी ये सेट आ जाता है एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर में कुंडलियां, मोटे तार के साथ हमेशा टर्न कम ही आएंगे, ये ध्यान रखें आप। और पतले तार के साथ टर्न हमेशा अधिक ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एक मोटे तार कम टर्न की होती है, दूसरी पतले तार अधिक टर्न की होती है। देखो मोटे तार कम टर्न वाली वाइंडिंग होती है ना, ये तो हमेशा आर्मेचर के सीरीज में ही संयोजित होती है, मोटर हो या जनरेटर आर्मेचर के सीरीज में ही कनेक्टेड होगी, इसलिए इसको सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। और पतले तार अधिक टर्न वाली जो होगी, ये आर्मेचर के हमेशा समांतर में ही कनेक्ट होगी, इसलिए इसको शंट फील्ड वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको शंट फील्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे की बात है, आगे टॉपिक आएगा तब भी पढ़ेंगे। ये तब होता है जब जनरेटर में वोल्टेज के लिए मान लीजिए कि ज़्यादा धारा वहन करनी हो, और पतले तार के लिए क्योंकि वाइंडिंग में से करंट वहन हो जाती है, और पतले तार अधिक टर्न वाले में अगर बात करें अपन, तो ये कांस्टेंट फ्लक्स रखना हो तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं अपन भाई, ठीक है। बस फील्ड कॉइल के बारे में तो इतना ही ध्यान रखना है ना। अच्छा एक पॉइंट और, सुन, ये जब कॉइल निर्मित हो जाती है तो इस कॉइल को हम क्या करते हैं, डीसी देकर उत्तेजित करते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। डीसी सप्लाई दे करके हम इसको एक्साइट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उत्तेजित करना, एक्साइट करना। और उत्तेजित करते हैं तो ये एक फ्लक्स का निर्माण करती है, ये वो फ्लक्स है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ओके पोल कितने होते हैं, पोल राहुल भाई कितने ही हो सकते हैं, मिनिमम तो दो पोल होंगे, बाकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होते हैं कि कितने पोल वाले चाहिए, क्योंकि पोल बढ़ने से व्यास बढ़ता है तो फिर वो पूरी कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मोस्टली तो जनरेटरों में दो चार छः आठ पोल ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो तीन पार्ट कंप्लीट हो गए अपने, इन तीनों पर ध्यान रखना। ओके कौन है, मस्तेंद्र नाथ भाई, कार्ड से पेमेंट ही हो गया, सब लोग जुड़े हैं तो उनकी भी तो कार्ड से ही पेमेंट हुई है। और अभी कल परसों वो संदीप MSG लवर, उसने सुपर चैट दिया है, तो उसने भी तो कार्ड ही यूज किया होगा ना, सुपर चैट के दौरान कार्ड से ही यूज होता है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कार्ड ट्राई कर लो। बहुत मेंबर है, कम से कम 40-50 लोग मेंबरशिप ले चुके हैं, उनके कार्ड तो सही थे ना भाई। क्लास का टाइम डेली शाम का ही है, ठीक है ना, 8:30 बजे का, आज तो संडे का दिन है इसलिए पढ़ रहे हैं। देखो तीसरा जो आता है, सॉरी चौथा जो पार्ट आता है वो है आर्मेचर कोर, ठीक है, ध्यान रखना है आर्मेचर कोर की बात कर रहा हूं मैं, आर्मेचर क्वाइल की नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग अलग टॉपिक होता है, वो बाद में आएगा। आर्मेचर कोर में क्या होता है, ओके साउंड, मेरे भैया साउंड की इससे ज्यादा नहीं हो सकती यार, मेरा तो बोल बोल के गला दुखने लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने माइक भी लगा रखा है, कई लड़कों के मैंने देखा है सही आती है,
हो सकता है आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो। देखो आर्मेचर कोर क्या है कि ये वो भाग होता है जिसमें आर्मेचर चालक स्थापित होते हैं। आर्मेचर कोर वो भाग होता है जिसमें आर्मेचर चालक स्थापित होते हैं और ये चालक इस फील्ड कॉइल द्वारा निर्मित फ्लक्स का छेदन करते हुए उपयोग करते हैं और एक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। आर्मेचर कोर में ही होते हैं, पॉइंट नंबर एक। दूसरा जो कार्य इसका सबसे बड़ा है ना, ध्यान रखना, आर्मेचर कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक अति निम्न प्रतिष्ठान, ध्यान रखना, जो बॉडी ने काम किया था वही काम आर्मेचर कोर भी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो अति निम्न प्रतिष्ठान का चुंबकीय पथ प्रदान करना। जो चुंबकीय बल रेखाएं पोल से बॉडी से होते हुए आ रही है ना, वो आर्मेचर कोर में से भी होते हुए जाती है। और अगर एक आर्मेचर हाई प्रतिष्ठंभ वाला होना तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अति निम्न प्रतिष्ठंभ का चुंबकीय पथ प्रदान करना, ये आर्मेचर कोर का भी दूसरा बड़ा काम होता है। अब देखो आर्मेचर कोर बनी किसकी होगी, हमेशा ध्यान रखें सिलिकॉन स्टील की ही बनती है, ठीक है। अब सिलिकॉन स्टील की है तो क्या ये लेमिनेटेड होगी, क्या ये ठोस होगी, ये भी दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है। तो याद रखना सिलिकॉन स्टील की होगी और लेमिनेटेड होगी। आर्मेचर कोर की संरचना हमेशा कैसी होती है, लेमिनेटेड होगी। ओके, कोर ज्यादा गर्म होती है या वाइंडिंग, यू देखो एडी करंट की वजह से कोर होती है, कॉपर लॉस की वजह से वाइंडिंग होती है। भार के कारण जब भी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो सबसे पहले वाइंडिंग ही गर्म होती है, कोर बाद में होती है। जब भी कभी ऑप्शन आए तो वाइंडिंग की ओर पहले जाना है, जैसे ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग ज्यादा गर्म होती है। सिलिकॉन स्टील की और लेमिनेटेड होती है। अब देखो हमने सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाया और फिर ये है कि लेमिनेटेड क्यों बनाया, इसके दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। और सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि आर्मेचर कोर लोहे की क्यों बना है, यानी आयरन कोर उपयोग करने का उद्देश्य क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। लड़के मार खा जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं ऑप्शन, एडी करंट स्ट्रेसिस जो भी है। देखिए आयरन कोर क्यों उपयोग में ले रहे हैं, ये तब पूछ रहा है कि एयर कोर क्यों नहीं ली, आयरन कोर ही क्यों लिया। ऐसे में हमें कहना है कि कम प्रतिष्ठंभ होता है आयरन कोर का, मजबूत चुंबकीय फ्लक्स मिलता है, पॉइंट नंबर एक। दूसरा फिर ये आता है कि जब हम आयरन में आ गए तो हमने सिलिकॉन स्टील को ही क्यों चूज किया, तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण एक हानि होती है और उसको बोलते हैं स्ट्रेसिस हानि। स्ट्रेसिस हानि अपने बीएच वक्र लूप बोलते हैं, बीएच लूप, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंडेंट होती है। जिसका लूप क्षेत्रफल पतला होगा स्ट्रेसिस हानि उतनी कम होगी, और सिलिकॉन स्टील का लूप सबसे पतला होता है, कहते हैं कि एक सीधी रेखा के जैसा होता है। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाया, इसके लिए तो आप लोगों को उत्तर देना है स्ट्रेसिस हानि कम करना, ठीक है, स्ट्रेसिस हानि कम करना, ये तो है इसका। फिर ये आता है कि लेमिनेटेड क्यों बनाया, तो लेमिनेटेड का मतलब होता है पतली पतली पत्तियों का बनाना। इसका रेशियो कितना होता है वो देख लो, इसकी लेमिनेशन की मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। याद रखना पोल शू की अलग थी, आर्मेचर कोर की अलग है, दोनों आ सकती है, इंपॉर्टेंट दोनों। लेमिनेटेड क्यों होती है, तो लेमिनेटेड के लिए आप लोगों को बोलना है एडी करंट हानि कम करना। और देखो ये तो हर पेपर में क्वेश्चन आता है, आर्मेचर कोर की जरूरी नहीं है, स्टेटर कोर हो सकती है, अल्टरनेटर की, इंडक्शन मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की, ट्रांसफार्मर की कोर हो सकती है,
लेमिनेटेड का तो कहीं भी क्वेश्चन मिलता है, आप लोगों को एक ही रिप्लाई करना है, सेम रिप्लाई करना है, ठीक है। आर्मेचर कोर की बस इतनी बात याद रखनी है, और कुछ भी नहीं है। वृत्ताकार होती है, और अगर ज्यादा हो ना, कहते हैं कि लगभग 1 मीटर तक का अगर डाया हो व्यास, तब तो एक एक डिस्क होती है और सॉफ्ट और पतली पतली डिस्क डालते जाते हैं। लेकिन अगर आर्मेचर का डाया बढ़ जाए ना, तो फिर उनको दो भागों में बांटते हैं, एक डिस्क को भी दो भागों में बांटते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बस और कुछ नहीं, आर्मेचर कोर के तो इतना ही काम याद रखना। इस कोर में एयर डक्ट भी होते हैं, आई वे, की होल रखे जाते हैं, वो सब तो ध्यान रखना ही है ना, भी जोड़ा कैसे जाएगा इसमें भी याद रखना। देखो नेक्स्ट आता है आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग बोल देना या आर्मेचर चालक भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ना, ये वही कि चालक है, और ये वो चालक होते हैं जिनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये वो चालक है जो आर्मेचर कोर में स्थापित होते हैं, और जब चुंबकीय बल रेखाओं का ये छेदन करते हैं तो इनमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन सा, या तो वेव वाइंडिंग या फिर लेग वाइंडिंग, ठीक है। वेव वाइंडिंग आर्मेचर में तब करेंगे जब हमें हाई वोल्टेज और लो करंट की आवश्यकता हो, जबकि लेग वाइंडिंग तब करेंगे जब हमें हाई करंट और लो वोल्ट की आवश्यकता हो, ठीक है। ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। हाई वोल्ट लो करंट के लिए वेव, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए लेग वाइंडिंग की जाती है, बस इतना ही होता है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। बस मेन मेन पार्ट ये थे। अब छठा जो भाग आता है वो है कम्यूटेटर। ध्यान रखना सप्लीटरिंग कम्यूटेटर का ही दूसरा नाम है, लेकिन उसको तब बोलते हैं जब दो या तीन होता, ठीक है। देखो लेप और वेव वाइंडिंग में क्या होता है इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। ओके भाई, मोबाइल नंबर लोकेश में बहुत बार दे चुका हूँ, कोई पिछला कमेंट चेक कर लो यार, कल परसों वाली वीडियो में ही मिल जाएंगे। कम्यूटेटर हिंदी में इसको दिशा परिवर्तक बोलते हैं, ठीक है। इसका काम होता है आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करना, ठीक है। लेकिन ये करंट को एकत्रित करता कैसे है, और करने के बाद करता क्या है, एसी टू डीसी, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में भी परिवर्तित करता है, इसको भी याद रखें आप लोग, यानी एसी टू डीसी करता है ये। आर्मेचर चालकों में एसी ही उत्पन्न होता है हमेशा, मैंने बताया, बाहर अपन डीसी लेंगे तो वो कम्यूटेटर ही करता है। ये भी बेलनाकार आकृति में ही होता है, वैसे कहूँ तो वृत्ताकार भी बोल सकते हो, और हार्ड ड्राम कॉपर का होता है भाई, ठीक है। हार्ड ड्राम कॉपर यानी कठोर खींचे हुए तांबे के होते हैं, और इस कम्यूटेटर में सेगमेंट कटे होते हैं, सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। सेगमेंट्स की संख्या कितनी होगी, आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होगी, यानी जितने आर्मेचर में कॉइल है उतने ही सेगमेंट होंगे। सेगमेंट के बीच में इंसुलेशन के रूप में माइका होगा, ठीक है। दो सेगमेंट के बीच में एचआरएफ के रूप में कौन होगा, अभ्रक होगा। सेगमेंट आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर ही होंगे, ये सेगमेंट कॉपर के या तो लग होंगे, कॉपर के लग नहीं तो फिर राइजर होगा, यानी कॉपर लग या राइजर के माध्यम से आर्मेचर चालकों से ये जुड़े जाते हैं, ठीक है। आर्मेचर चालकों से ये कनेक्ट हो जाते हैं, और अलग से कुछ नहीं। सेगमेंट जो होते हैं ना, ये ध्यान रखना वी टाइप होते हैं, तो वी टाइप इसलिए होते हैं कि जब कोई भी चीज गति प्राप्त करती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जिसके सिद्धांत पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम कर रहा है। सीरीज मोटर में क्या होता है, यही तो होता है कि नो लोड पर चलाते हैं तो आर्मेचर निकल कर बाहर आ सकता है, अपकेंद्रीय बल है तो कम्यूटेटर भी तो बाहर आ जाएगा ना। जब जनरेटर पूरी स्पीड से चलेगा
तो कम्यूटेटर भी बाहर आएगा। इसलिए कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं ऐसे वी टाइप आकृति में होते हैं, दो वी रिंग लगती है जो उस सेगमेंट को बाहर नहीं आने देती, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। और कम्यूटेटर में थोड़ा बहुत कुछ हो तो ध्यान रखना, कहते हैं कि CTC से साफ हो जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है। और नेक्स्ट जो छठा पार्ट है ना, सॉरी सातवां पार्ट, वो है ब्रूस। तो ब्रूसों के बारे में तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रूसों का काम क्या है, कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करके बाहरी परिपथ को प्रदान करना, ठीक है। और आयताकार ब्रूस होल्डर होगा जिसमें ये लगाए जाते हैं। अलग अलग ब्रूस होते हैं जिनका अलग अलग धारा घनत्व होता है, अलग अलग उनका दाब होता है। तो ये मैं आप लोगों को पूरा एक डिटेल वाइज आंकड़ा लिखवा देता हूँ, बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, परफेक्ट आंकड़ा है, याद जरूर रखना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ब्रूस का टाइप कौन कौन सा है, उसके बाद में उसका धारा घनत्व कितना है, धारा घनत्व एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में है। उसके बाद में है कि उस कम्यूटेटर पर दाब कितना होगा ब्रूस का, और ये है kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है प्रति ब्रूस, एक ब्रूस में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। देखो सबसे पहले ब्रूस का जिसका नाम है वो है मेटल ग्रेफाइट, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा फीका हो गया, सोचते हैं कि शायद कल वाले में ही भरेंगे, आज का तो कोई करा दे। मेटल ग्रेफाइट, हिंदी में धात्विक ग्रेफाइट बोलते हैं इसको। 9 एम्पियर से लेकर 9.5 एम्पियर तक प्रति वर्ग सेंटीमीटर का रहता है। इसमें दबाव 0.12 kg पर सेंटीमीटर और 1.6 वोल्ट ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है। हाँ, छोटे जनरेटर में कार्बन के, बड़े में कॉपर के, ठीक है। ब्रूसों का घर्षण गुणांक भी याद रखना, लघु घर्षण गुणांक 0.22 या इससे कम और उच्च घर्षण गुणांक 0.4 या इससे अधिक होता है, तो ये तो याद रह जाएगा। दूसरा जो आता है वो है कॉपर, यानी तांबे वाले, ध्यान रखना धारा घनत्व सबसे ज़्यादा कॉपर वाले का ही है और वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा कार्बन वाले का है, ठीक है। तो कॉपर में जो धारा का डेंसिटी है वो 15 से लेकर 16 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। इनका जो दबाव है वो 0.15 से लेकर 0.18 तक है। वोल्टेज ड्रॉप इसमें 0.25 से लेकर 0.35 वोल्ट तक है, यानी आधे वोल्ट से भी कम इस पर ड्रॉप हो रहा है। तीसरे जो ब्रूस आते हैं वो कार्बन के, इनका धारा घनत्व है 5.5 से लेकर 6.5 एम्पियर तक है प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से। दबाव 0.22 से लेकर 0.27 तक का है और प्रति ब्रूस 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ड्रॉप इन्हीं में होता है, सबसे ज़्यादा धारा घनत्व कॉपर वाले का है, ठीक है, याद रखना, अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद में है इलेक्ट्रोग्रेफाइट, यानी विद्युत ग्रेफाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोग्रेफाइट की जो धारा घनत्व है वो 8.5 से लेकर 9 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 0.22 और 1.7 से लेकर 1.8 वोल्ट ड्रॉप होता है। बस भाइयों पार्ट्स के बारे में इतना ही याद रखना, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, नोट कर लेना, कहीं ना कहीं अच्छे आंकड़े आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। लघु घर्षण गुणांक, उच्च घर्षण गुणांक दोनों याद रखना, बस पार्ट्स मेन इतने ही होते हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर लाइक करना, फॉरवर्ड करना, सब लोगों को पसंद आएगा, कुछ अलग हमने ज़रूर पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।